एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय ब्लॉग। और अभी हम हैं यहाँ पे, ये दीदी है और इन्होंने अपना स्टॉल खोला है, बीएड चाय वाली एंड फास्ट फूड कॉर्नर है ये। तो मैं यहाँ पे आई, चाय वाली एंड फास्ट फूड कॉर्नर है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो बहुत टाइम से। दीदी, आप कब से कर रहे हो ये काम? अभी मुझे एक महीना हुआ है। एक महीना हुआ है? अच्छा, आपने क्या कर रखा है? मैंने बीएड। वेलकम बैक ऑन माय ब्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं आज बीएड चाय वाली की चाय पीने, तो देखते हैं कैसी चाय है उनकी। उनका नाम शायद मधु सिंह है। तो अभी हम जो ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये है दीदी, इन्होंने ये खोला कर रखा है दीदी ने, तो मतलब अच्छी खासी इनकी क्वालिफिकेशन है, बट वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो उन्हें ये करना पड़ रहा है। वैसे भी एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर, तो इसीलिए इन्होंने ये लगा रखा है ना। तो दीदी, इससे आपको मतलब अर्निंग होती है? ठीक ठाक अर्निंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि आप मतलब जब तक वैकेंसी नहीं आएंगी तब तक इसको कंटिन्यू रखेंगी? वैकेंसी तो तैयारी में तो है ही रहेंगे, प्रयास हाँ। में, लेकिन ये है कि अभी हमने ये काम खोला है तो अब इसको हम बंद नहीं करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि हम इसको चालू रखें, हाँ। क्योंकि इससे जो है मुझे समाज में, लोगों में बहुत पहचान मिली है। अच्छा, काम भले ही लोग छोटा समझते थे पहले चाय से, लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये तो बहुत चीज़ें देखी होगी। ये चाय वाली लिखा है कि हम लोग जो है चाय के या खाने के काम को ऐसे रोज हाँ। खड़े होकर हम लोग को लगता है कि बहुत छोटा काम है, लेकिन नहीं है। आप मेरी डिग्री को देखिए और मुझसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन में देना चाहूँगी युवकों को, युवतियों को, महिलाओं को, सभी लोगों को। घर से निकलिए, ये टाइम बैठने का नहीं, कुछ करके दिखाने का है। दीदी कह रही है कि ये टाइम घर में बैठने का नहीं है, घर से बाहर निकल के कुछ करने का है। जैसे वो हमें इंस्पायर कर रही है, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना ये खोल रखा है और कम से कम वो फ्री नहीं बैठी है। तो ये जो इनका ठेला है, ये GRM स्कूल जो है, वो बहुत ही ज़्यादा सच में ही एक बहुत इंस्पायर करने वाली चीज़ है ये हमें। और वो कर रही है ये काम, और जिस तरह से दीदी ने बोला कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उनकी डिग्री काफ़ी बड़ी है, बट लेकिन फिर भी वो कर रही हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है तो कुछ तो इंसान को करना ही है, तो कुछ ना कुछ करते रहिए, है ना। हाँ, तो आपके पास चाय? मेरे पास मसाला चाय है और हमारे यहाँ के मिक्स पराठे। मिक्स पराठे फेमस स्पेशल? अच्छा, तो मसाला चाय और स्पेशल पराठे जो है वो फेमस है यहाँ के। तो आप आइए जब भी आपको मौका मिलता है, हाँ, जब भी बरेली आना हो तो आप यहाँ आइए। और ये नैनीताल रोड पे है, GRM के पीछे। तो ये है बीएड चाय वाली, बहुत ही अच्छी चाय थी, मैंने तो पी, आप लोग भी पीजिए ज़रूर। ये नैनीताल रोड है। उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की है और अब तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, तो अच्छा खासा चल रहा है काम। दो लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, और मतलब ये बहुत अच्छा काम है। वो अपना तो कर ही रही हैं, साथ में और लोगों का भी वो ध्यान रख रही हैं और उन लोगों को भी काम। हाँ, तो ये चाहती हैं कि लड़कियाँ इनके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में आए। और अभी हम दीदी की चाय पियेंगे, वो बना रही हैं हमारे लिए मसाला चाय। और उसका प्राइस कितना है दीदी? उसके 15 रुपीज़ चार्जेस हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक है अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें अच्छी होती जाएंगी तो वो उसका प्राइस भी मुझे लगता है थोड़ा हाई करना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो रही है। तो अभी हमारी चाय रेडी हो गई है, अब हम चाय पियेंगे, उसके बाद और भी बनाएंगे। अभी आगे आपको सारा बताऊँगी मैं लोकेशन वगैरह, तो क्योंकि आपको आने में ईजी रहेगा, ठीक है। ये हमारी चाय आ गई है, मसाला चाय रेडी हो गई है, और ये कुल्हड़ में तो बहुत अच्छी लग रही है दिखने में चाय। तो आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर आइए, दीदी ने बनाई है। तो दीदी कह रही है जिनको ये टेस्ट पसंद आ रहा है वो रेगुलर कस्टमर बन गए हैं इनके। और वैसे भी लेडीज़ को तो अच्छे से आता ही है खाना वगैरह बनाना, और ये अच्छा चाय वगैरह के लिए तो बहुत अच्छे से करती है दीदी ये काम। तो आप लोग कभी भी आप प्लीज़ एक चीज़ पे मत फोकस करिए, मैं चाहती हूँ लाइफ में हमें
हमेशा एक सेकंड ओपिनियन होनी चाहिए। हाँ, आप अगर केवल टीचर ही टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, आप नहीं मुझको सिर्फ टीचर ही बनना है और उससे आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो कुछ आपको बहुत कुछ एक ऐसा टैलेंट होता है जो आपके अंदर होता है, जो आपका बेसिक मतलब आपके साथ में ही गॉड हमें देते हैं, तो उस टैलेंट को पहचानो और उसका हमें ट्राई करना। तो आप योगी सरकार से क्या कहना चाहती हैं, वैकेंसी निकालें? योगी जी से एक विनती है, रिक्वेस्ट है सर जी, मैं आपसे कोई मतलब फोर्सली इस बात को नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन सर प्लीज़ 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 जो नव युवक है, युवतियाँ हैं और हम जैसी महिलाएं हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, सीट पर खड़े हैं, तो सर हमारे बारे में कुछ सोचिए रोज़गार के बारे में, और हो सके तो सर प्लीज़ हम लोग को शॉप अवेलेबल कराइए। अभी तो हम नगर निगम की जगह पर बैठे हैं क्योंकि हमारे पास शॉप अफोर्ड करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर हमारे बारे में प्लीज़ सोचिए कुछ। हाँ, तो दीदी का योगी सरकार से बस यही कहना है कि उनके लिए कुछ, अगर वो बिजनेस में भी कुछ करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। वैकेंसी के थ्रू ही हम नहीं, वैकेंसी तो नवयुवक लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ बिजनेस वगैरह भी करना चाहते हैं तो उनको इसमें सपोर्ट करिए, बस ये कहना है दीदी का, है ना? मेरी योगी सर जी से, सर प्लीज़ जब भी आप बरेली आए तो प्लीज़ एक बार जरूर आए। हाँ, अब महिलाओं की शॉप पर एक बार जरूर आए, हमारे काउंटर पे हमारा समर्थन करें, हमारा और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। हाँ, तो दीदी का कहना ये भी है कि जब भी योगी जी को बरेली आना रहे तो वो यहाँ ज़रूर आए, मतलब जो भी यहाँ पे जो चाय कॉर्नर वगैरह चला रहे हैं, हमारे यहाँ के बरेली के जो गर्ल्स और फीमेल हैं वो लोग जो चला रहे हैं, तो उनके पास ज़रूर आए, एक सपोर्ट मतलब एक सपोर्ट रहे, उनको थोड़ा अप्रिसिएशन दें, ये सारा बस ये कहना चाह रही है दीदी, है ना? उनके वहाँ पे आना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कर रही है कि जब भी आपको बरेली आना रहे तो आप यहाँ ज़रूर आए। चाय कैसी है? चाय इसने भी वैसे इसने भी कर रखा है, टैट वैट अपर टैट सी टैट सब कुछ क्वालिफाई कर रखा है, तो मैं भी सोच रही हूँ इससे कह दूँ ये दीदी के बराबर में ही थोड़ा अपना लगा ले ठेला, तो अच्छा खासा वो ये भी अर्निंग कर लेगी। लेकिन पहले तो हम कोशिश करेंगे कि वैकेंसी आए, हम उसका वेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब मुझे भरोसा है थोड़ा कि देंगे वैकेंसी, और देनी भी चाहिए, अगर नहीं देंगे तो हमें भी कुछ ऐसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। है कि वो प्रफुल बिलोरे से जो है इंस्पायर्ड है, और प्रफुल बिलोरे MBA चाय वाला, जो कि हमारे इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी में भी गेस्ट स्पीकर है टेडेक्स में, तो हमारे यहाँ पे टेडेक्स होने वाला है 21 नवंबर को, तो प्रफुल बिलोरे एक स्पीकर है, ममता कुमारी है, तो प्रफुल बिलोरे जो है वो चाय वाले स्कूल के पास में है, नैनीताल रोड पे ये शॉप जो है, तो हम दोनों ने आज चाय पी है, आप लोग भी आइए और दीदी के अच्छे से सपोर्ट करिए। तो दीदी का कहना है कि हमारे जो उमेश गौतम सर जो है चांसलर ऑफ इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी एंड मेयर ऑफ द बरेली, फर्स्ट पर्सन ऑफ द बरेली, तो वो भी यहाँ पे आए चाय पीने, और मुझे दिखा दिया है ये बीएड जो किया हुआ है दीदी ने, तो दिखा दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, आजकल महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और सपोर्ट करिए ऐसे आके, और जितना भी हो सकता है इस चैनल को, सॉरी दीदी के जो बीएड चाय वाली जो कॉर्नर है इसको शेयर करिए और मधु दीदी को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, ये दीदी बाय।